गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? सुबह हो गई है और चाय बन रही है। सोनिया ने मेरे को लगा दिया चाय बनाने के लिए। कोई बात नहीं, कभी कभी हेल्प कर देनी चाहिए। वाह 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 वाह, सो रही है। निन्नी आई हुई है मुझे तो अभी तक। आपको भी निन्नी आती है? मेरे को आपको नींद आती है। मेरे को भी नींद आती है। अच्छा अच्छा एम्बर क्या कर रही है? एम्बर मस्तियां कर रही है मेरे साथ। एम्बर इधर देखो पुत्र, ये देखो बासी मारती है। एम्बर वॉल्यूम बंद हो गया ना, टीवी का वॉल्यूम बंद हो गया, तो इसको अभी परेशानी हो रही है कि वॉल्यूम इसको नीचे उतना। देखो एम्बर एम्बर खाएगी अंडा। सोनिया, मोहब्बत के परवानों को ज़िंदगी के झरोके से अपना दिल दो। मोहब्बत के परवानों को ज़िंदगी के झरोके से अपना दिल दो। एम्बर के लिए ये अंडा छील दो। छी एम्बर गाना गाइए चलो। Amber, why are you grumpy baby today, huh? Amber? No. पापा ने टांग के रखा है आपको यहाँ पे। पापा यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। गोको क्या है? गोको गोको हाँ, शॉर्ट फॉर गोको। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो यहाँ पे अभी दीपक अपने ऑफिस की सेटिंग कर रहे हैं। तो ये मैंने दीपक को फाइनली गिफ्ट कर ही दिया है कि ले ही लो आप कुछ। ये लुक देखो। कहाँ किप करें इसको, बाइट मारने के लिए एप्पल चाहिए था बस। लुक एट दिस, किने खादा है? किने खादा एप्पल? किने खादा एप्पल? पापा ने खादा? दो दो लैपटॉप लेके बैठे हैं, करना कुछ भी नहीं है, हैं? करना कुछ भी नहीं डैडा ने अब। सो इन सारे प्लांट्स को पानी हो गया। ये इंडोर प्लांट्स है मेरे, ये सारे एक दिन छोड़ के मैं या दो दिन छोड़ के मैं इंडोर प्लांट्स को पानी देती हूँ। और अभी सुबह बाहर रख दिए थे और अभी शाम को इसको इनको रखूंगी ताकि अच्छी धूप भी मिल जाती है, क्योंकि सारे प्लांट्स विंडो के पास नहीं है, थोड़े दूर भी होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि थोड़ी सी धूप भी मिलनी चाहिए कभी कभी। ये एलोवेरा हमारे दूसरे एलोवेरा से हमने करा इसको प्रोपगेट। तो और एक और है वहाँ पे, दीपक ने इसको क्लीन नहीं करा अभी तक। हाय एम्बर, हेलो नहीं करना, सत श्री अकाल नहीं करना सारे जने नु। वैली घर पे पहनानी शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे जब मैंने इसको अभी पहनाई तो इसने चली नहीं, दो चार मिनट खड़ी रही उस जगह पे। इसको आदत नहीं है ना, और छोटी भी हो गई अभी, ये अभी अभी आ रही है आजकल में, ये फिर छोटी हो जाएगी। इसको पसंद नहीं था बट अभी इसको आदत मैंने डलवा दी है फिर से। सो वी आर डन एंड डस्टेड, सारा काम कर लिया है घर का। और अभी एम्बर अपना वहाँ पे देख रही है, क्योंकि अभी जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ और दीपक बिजी होते तब इसको चेयर पे बिठा देते हैं। और इससे पहले मैं वर्कआउट कर रही थी तो ये मेरे आसपास घूम रही थी। ऑलमोस्ट जो वेदर है यहाँ पे अभी अच्छा ही है, प्लेजेंट है, क्योंकि पीछे बारिश हुई थी। तो समर जब थी तो एम्बर की मालिश हमने काफ़ी बंद कर दी थी काफ़ी टाइम के लिए, क्योंकि थोड़े से एक तो बच्चे को गर्मी भी लगती है मालिश के साथ, सेकेंड थोड़े दाने हो जाते हैं बच्चों को अगर तेल वगैरह लगाते रहे। तो मैं क्या करती हूँ, जब इसको दाने कभी भी हुए हैं इसकी बॉडी पे तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ मालिश। बट समर में हमने एक दो मंथ के लिए अभी बंद करी थी, काफ़ी गर्मी थी, तो अभी फिर से स्टार्ट करी है। तो मालिश एक दिन दीपक करते, एक दिन मैं करती हूँ, ऐसे हम लोगों ने करा है। तो वो करके अभी फ्री हुए हैं, वर्कआउट करके फ्री हुई हूँ।
अभी मैंने खाना खाना है, इन दोनों ने अपना लंच कर लिया है, एम्बर ने काइंड ऑफ ब्रंच ही करा है, अभी लंच इसका कराऊंगी मैं, दीपक ने अपना लंच भी कर लिया है। सो दीपक अभी वहाँ पे बिजी है अपने काम करने में, आप देख सकते हो वहाँ पे ही इज वेरी बिजी डूइंग सम स्टफ। तो जैसे कि अभी अनलॉक वन स्टार्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा फेजेस में गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है, बट मुझे क्या लग रहा है कि ठीक है सब कुछ, बट जितना अभी भी अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप घर पे रह सकते हो तो उतना रहें घर पे। इवन हम लोगों ने तो कम ही कर दिया बाहर जाना, चलो मैं तो गई ही नहीं हूँ, बट दीपक भी जैसे कोई सब्जी लेने या दूध लेने जाते थे वो भी कम ही कर दिया है। बहुत नेसेसिटी होती है तब भी हम लोग बाहर जाते हैं, दीपक बाहर जाते हैं, क्योंकि अभी जो स्पेशली महाराष्ट्र में ये सब इतना पीक पे है, तो इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं घर पे ही रहें, क्योंकि अभी एम्बर भी छोटी है हमारे पास, तो रिस्क नहीं ले सकते हम किसी चीज़ का। तो ट्राई करें कि घर पे रहें अगर पॉसिबल हो तो, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तभी बाहर जाएं। एक्चुअली शाम को क्या होता है कि अभी जैसे मैं एम्बर को खाना खिलाऊंगी, एक बजे ये मस्ती करना शुरू कर देगी, एक डेढ़ बजे तक, दो बजे तक, फिर तब तक मुझे इसके साथ ही रहना पड़ता है, उसके बाद ये सो जाती है, फिर मैं एडिटिंग वगैरह कुछ ना कुछ करती हूँ। जब ये 4 बजे उठती है तो मैं कुछ इसको खाना देती हूँ, खाना खाने में ये हाफ एन आवर ले लेती है शाम को स्नैक्स वगैरह में। तो मैं क्या करती हूँ कि जो मुझे चाय के साथ बनाना होता है, जैसे आज मैं अप्पे बनाऊंगी तो मैं अप्पे के लिए प्रिपरेशन करके मैंने रख दिया पहले ही, ताकि शाम को टाइम वेस्ट ना हो, अभी मेरे पास टाइम था। देखो दीपक ने एक बार भी नहीं देखा, दीपक काफी लोगों ने बोला है कि आपने वेट गेन कर लिया है। सो आपका क्या कमेंट है कि आप वेट गेन कर लिया है आपने, हैं वेट कैसे गेन करा है आपने, ऐसे कैसे कर सकते हो? एक्चुअली मैं हूँ, मेरी हाइट ज्यादा है तो मेरा वेट गेन इतना जल्दी नहीं दिखता, किसी ने अपनी चील की नजरों से मुझे पहचान लिया कि मेरा वेट बढ़ गया है, बट इक्का दुक्का ही थे, तो इट हार्डली मैटर्स फॉर मी। सो दीपक का वेट बड़ा नहीं है गाइस, सिर्फ 5-6 किलो बड़ा है, तो इट्स फाइन, तो कोई बात नहीं। रात को अपना CID काम तो बता दो। CID का क्या? जो आपने कल रात को किया। क्या गाइस, मैं सो रहा था, एम्बर भी सो रही थी, सोनिया भी शायद सो ही रही होगी, टाइम नहीं पता मुझे क्या था, तो एम्बर भूख लगी, दूध के लिए रोने लगी, उठी तो सोनिया ने उसको उसके बेड से उठा के बेड पे डाल दिया, क्योंकि वो वैसे रोती है तो अपने बेड पे हम लोग डाल लेते हैं। तो उसी दौरान क्या हुआ गाइस, दूध की बोतल खो गई। मैं आपको क्या बताऊं, कल रात को CID मिशन शुरू हो गया। मैं 2 बोतल रखती हूँ एक्चुअली, बताते हो 2 बोतल रखते हैं। हाँ सोनिया 2 बोतल रखती है, तो एक बोतल शायद एम्बर को दे दी, अब मैं सो रहा हूँ, एम्बर दूध पी रही है और सोनिया अपने मिशन पे टणन 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 ऐसे फ्लैश लेके, ऐसे सोनिया पूरे ऐसे रूम में घूम रही है, चादर उठा रही है, टांगे पीछे कर रही है, मतलब एकदम मैं वो पता क्यों कर रही, पता नहीं क्या हो रहा है। तो एकदम से मेरी आंख खुली और सोनिया ने ऐसे मेरी आंखों में फ्लैश मारी, आपने एम्बर की दूध की बोतल देखी? आदमी रात को 1:30-2 बजे उठ रहा है और आप उसे पूछ रहे हो दूध की बोतल देखी? वो पता क्यों हुआ था, मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने, क्या होता है ना, दिमाग के जो सेंसेस होते हैं ना, दिमाग के सेंसेस आदमी के एकदम से काम नहीं करते हैं, जब आदमी एकदम से उठता है ना तो एक कुछ एक सेकंड लगते हैं उसको समझने में कि साला हो क्या रहा है करके। नहीं वो सुनो तो क्या, जब एम्बर को उठाया ना मैंने, अभी रुको बोलने का मौका ही नहीं था, ये तो मेरी जुबान बंद कर रखी है। कल मतलब ऐसा हो गया था जैसे आपने, जब हम छोटे होते सोनी टीवी पे देखते थे CID, तो सब लोग बोलते थे सर पानी नहीं आ रहा, सर टूटी से पानी नहीं आ रहा, तो वो बोलता था दया बोलता था कि सर पानी नहीं आ रहा, बॉस तो सब बोलते थे सर पानी नहीं आ रहा, टूटी से पानी नहीं आ रहा बोलता है, इसका मतलब है टंकी खाली है। तो सोनिया वैसा वाला CID वाला कर रही थी। अरे नहीं सुनो तो सही, जब एम्बर को मैंने उठाया, इसको मैंने बोतल दी, ठीक है, 2 मिनट बाद मैं तब वॉशरूम चली गई, ये अपना दूध पी रही थी और मैंने आपको बोला कि इसको हाथ रख के बैठो, क्योंकि बेड पे हमारे साथ ही, मैं वॉशरूम चली गई और उसके बाद जब आई बोतल थी नहीं, तो फिर मैंने इसको, और ये फिर से रोना शुरू करी, मुझे पता था इसकी बोतल इसके हाथ से गिर गई है, तो मैंने इसको क्या अगर मैंने इस बोतल ढूंढनी शुरू करी, इसने दी मिली नहीं वो मुझे, तब इसको मैंने नया दूध बना के दूसरी बोतल से दिया। अब मेरे को क्या था, अभी 3-4 घंटे बाद इसको फिर से भूख लगनी थी और मुझे दूध की बोतल, मतलब पानी पास में रखना होता तो बोतल होनी चाहिए पास में, तो वो नहीं थी, और मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं ये रोती रहे और मैं ढूंढती रहूँ बोतल, तब मुझे पहले से प्रिपरेशन करनी होती है। आप अगर इस जस्टिफिकेशन को मानते हैं तो गाइस अच्छी बात है,
हां जी ये देखो दोनों ने मैचिंग की थी, पापा ने कॉपी की था एम्बर नो आज। तो मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एम्बर के जो भी क्लोथ है चाहे वो बाहर पहनने वाले थे चाहे घर पे पहनने वाले थे, वो मैंने इसको घर पे पहनना स्टार्ट कर दिया, ताकि अब बाहर तो जाना नहीं है, घर पे पहने, कपड़े छोटे हो रहे हैं इसलिए घर पे पहने, है ना। तो अभी 4 बजे एम्बर का है मैंगो शेक टाइम और मैं बनाने लगी हूँ अप्पे, अनियन, बॉइल्ड मटर, कैरेट और कैप्सिकम ये लिए हैं। तो अभी तभी इन सबको थोड़ा सा हल्का सा टेम्पर करके तड़का लगा के रवा में ऐड करना है। तो रवा में जब तक मैं दही ऐड करती हूँ जब तक ये सब कुछ फ्राई होता है। सो जस्ट मैं क्विकली वाला बनाती हूँ, तो तड़के में अनियन और ये सारी वेजिटेबल्स ऐड करी है विद लिटिल मस्टर्ड और ग्रीन चिली और धनिया मैंने ऑलरेडी मिक्स में डाल दिया है रवा में, और इसमें मैं वेजीज ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, तो जस्ट बेसिक वाला बना रही हूँ और मिक्स करके उसके बाद आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैं इनो यूज़ कर रही हूँ, क्विकली जब बनाने होते हैं उससे पहले ही ऐड करती हूँ। और ग्रीस कर रही हूँ अपे पैन, उसमें जस्ट थोड़ा थोड़ा पोर करना है और स्लो फ्लेम पे बनने देना है, आप चाहे ऑयल ऊपर से पोर कर सकते हैं बट यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट रेडी है ये और 5 मिनट में बन जाते हैं, 5-10 मिनट में जब तक चाय रेडी होती है। और मीन वाइल जस्ट उनकी साइड चेंज करते रहिए और ये हमारे अप्पे और चाय रेडी है। हाय गाइस, कपड़े कैसे पहनाए जा रहे हैं खड़े करके बच्चे को, हैं अंबर की सोने की तैयारी, सोने की तैयारी है अंबर की, पापा की ड्यूटी होती है कि अंबर को रात को नाइट सूट पहनाना। सो गाइस गुड नाइट, बाय बाय।